नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में LIC के एक ऐसे प्लान के बारे में बात करने वाले हैं जिसके अंदर आपको टर्म इंश्योरेंस का तो फायदा मिलेगा, साथ में अगर पॉलिसी होल्डर सर्वाइव करता है टर्म के बाद भी, तो उस केस के अंदर जो भी उसने प्रीमियम पे कर रखा है उसको वापस मिल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल आप सही से समझे हैं। जैसा कि आपने हमारा थंबनेल भी देख लिया होगा, वीडियो का टाइटल देख लिया होगा, हम बात कर रहे हैं LIC के जीवन किरण के बारे में, जिसके अंदर आपको रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस का ऑप्शन भी मिलता है कि आपने जितना भी आपने पैसा पे किया, जितना रिटर्न ऑफ प्रीमियम किया है, वो पूरा वापस आपको मिल जाता है अगर पॉलिसी होल्डर सर्वाइव करता है टर्म के बाद भी। तो इस केस के अंदर सबसे बड़ा फायदा क्या है, आपने जो पैसा लगाया फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए लगा तो लिया, इनकेस आप सर्वाइव कर जाते हैं तो जो आपने पैसा लगाया वो आपको वापस भी मिल जाता है। इस प्लान की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को इस वीडियो के अंदर समझेंगे कि कौन कौन ले सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना प्रीमियम आपको आएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को समझेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। पर इस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए मैं आपको लेना चाहूंगा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो अब आप आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हमने प्रेजेंटेशन खोल रखी है LIC के जीवन किरण प्लान की। जी हाँ, जिसका टेबल नंबर 870। इसके सबसे पहले समझते हैं बेसिक डिटेल की कौन कौन इस प्लान को ले सकता है। प्लान का नाम है जीवन किरण, वहीं पे इसमें जो टेबल नंबर है वो टेबल नंबर 870 है। इसमें प्लान टाइप की बात करें तो प्योर लाइफ इंश्योरेंस प्लान है विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम, मतलब इसके अंदर आपको टर्म इंश्योरेंस का फायदा तो मिलता है, साथ में जो आपने प्रीमियम पे करा है अगर इनकेस पॉलिसी टर्म कंप्लीट होती है और पॉलिसी होल्डर सर्वाइव करता है तो जो भी उन्होंने प्रीमियम पे करा है वो उनको वापस मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मिनिमम एंट्री एज 18 साल है और मैक्सिमम एंट्री एज जो रखी गई है 65 साल रखी गई है। मिनिमम मेच्योरिटी एज जो है जो रखी गई है 28 साल रखी गई है और मैक्सिमम मेच्योरिटी एज इसमें 80 साल रखी गई है। तो आप 80 साल तक का कवरेज भी ले सकते हैं। वहीं पर सम एश्योर्ड की बात करें तो मिनिमम 15 लाख रुपए और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। वहीं पे अगर सम एश्योर्ड मल्टीपल्स की बात करें तो 40 लाख रुपए तक, 15 लाख से 40 लाख तक 1-1 लाख रुपए बढ़ा सकते हैं। वहीं पे अगर 1 करोड़ तक लेते हैं 41 लाख से तो 10-10 लाख रुपए का गैप होना चाहिए। फिर 1 करोड़ से 4 करोड़ में 25 लाख का और 4 करोड़ से ऊपर का लेते हैं तो 50-50 लाख रुपए का गैप होना चाहिए। वहीं पे अगर हम पॉलिसी टर्म की बात करें तो पॉलिसी टर्म इसमें 10 साल मिनिमम है और मैक्सिमम 40 साल रखा गया है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इस प्लान को ले सकते हैं जितने पॉलिसी टर्म की रिक्वायरमेंट है आपको। प्रीमियम पेइंग टर्म इसमें 2 ऑप्शन अवेलेबल है, एक है रेगुलर और एक है सिंगल प्रीमियम। वहीं पर प्रीमियम पोर्ट की बात की जाए तो इसमें रेगुलर प्लान के अंदर आपको हाफ ईयरली और ईयरली 2 ऑप्शन मिलता है, मंथली का ऑप्शन नहीं मिलता है इसके अंदर। मिनिमम प्रीमियम जो है रेगुलर प्लान के अंदर 3,000 रुपये होना चाहिए, वहीं सिंगल प्रीमियम के अंदर 30,000 रुपये होना चाहिए। इससे कम का अगर प्लान प्रीमियम आ रहा है तो आप प्लान नहीं ले पाएंगे। सरेंडर, लोन और पेडअप अवेलेबल है 2 साल बाद इन दोनों ही ऑप्शन के अंदर। रिवाइवल ऑफ पॉलिसी विद इन 5 ईयर, अगर आपकी पॉलिसी किसी कारण लैप्स हो गई तो 5 साल के अंदर इन पॉलिसी को लैप्स को रिवाइव करा सकते हैं। इस प्लान को लेने के लिए फॉर्म की रिक्वायरमेंट रहेगी 300 नंबर। अब ये प्लान अगर आप नॉन स्मोकर हैं या स्मोकर हैं तो उनके लिए स्पेशल रेट के ऊपर ये प्लान आपको अवेलेबल है। मैच्योरिटी और डेथ सेटलमेंट का इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलता है 5 साल का। आप चाहते हैं लमसम जो आपको प्रीमियम वापस ना मिले, कुछ पैसा इकट्ठा मिल जाए, या डेथ सेटलमेंट का जो पैसा है वो पूरा ना दिया जाए मेरे नॉमिनी को, कुछ मैच्योर सेटलमेंट मिले तो उसको भी ले सकते हैं। मैच्योरिटी बेनिफिट जो होगी आपका, जो मैच्योरिटी का जो टोटल सम एश्योर्ड रहेगा इक्वल्स टू रेगुलर प्रीमियम रहेगा। ये रेगुलर जो भी प्रीमियम आपका जो आपने जमा करा है या सिंगल प्रीमियम जमा करा है उसमें कोई भी एक्स्ट्रा प्रीमियम है या कोई राइडर है या टैक्सेस है उसके पैसे काटने का जो पैसा बचता है वो पैसा आपको दे जाएगा। मतलब जो आपने पेमेंट जमा करी है, प्रीमियम जमा करा है इंश्योरेंस का, वो मिल जाएगा। हाँ, कोई राइडर का पैसा डाल रखा है, कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर रखा है बिकॉज ऑफ स्मोकिंग या ड्रिंकिंग तो वो पैसा नहीं दिया जाएगा, उसके अलावा जो पैसा होगा आपको वापस मिल जाएगा। उसके बाद आता है असाइनमेंट और नॉमिनेशन, ये अवेलेबल है इस प्लान के अंदर। आप चाहते हैं इस पॉलिसी को असाइन करना या नॉमिनेट करना तो कर सकते हैं। वहीं पे डेथ करते हैं अगर रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी के अंदर तो बेसिक सम एश्योर्ड या 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम या 105% टोटल प्रीमियम पे, इन तीनों में से जो भी हायर होगा वो दे दिया जाएगा। अगर सिंगल प्रीमियम है तो 125% ऑफ सम एश्योर्ड अमाउंट जो है वो नॉमिनी को दे दिया जाएगा। अभी अगर बात करें इनकम टैक्स बेनिफिट की तो जो भी प्रीमियम पे करेंगे उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स की छूट मिलती है अंडर सेक्शन 80C। मैच्योरिटी टोटल टैक्स फ्री रहेगी अंडर सेक्शन 1010D और डेथ क्लेम भी टोटल टैक्स फ्री रहेगा अंडर सेक्शन 1010D। अब एडिशनल राइडर्स के अंदर जो अवेलेबल है जिसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होता है, सबसे पहला है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, दूसरा है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। इन दोनों में से किसी एक का आपको चुनाव करना होगा जिससे कि आपका एक्सीडेंट कवरेज और बढ़ जाए और साथ में इसका जो भी प्रीमियम होगा आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा इस प्लान के अंदर। अब बात करते हैं रिबेट्स की, मतलब कुछ डिस्काउंट अगर आपको मिलता है तो क्या मिलेगा। तो रिबेट जो है अगर आपकी उम्र अप टू 30 साल है और आप प्लान ले रहे हैं 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में तो 24% तक का एनुअल प्रीमियम रेट पर डिस्काउंट मिलता है, जो आपको प्रीमियम ऑलरेडी कम होगा। अगर आप 50 लाख से कम का लेते हैं तो आपको प्रीमियम डिफरेंस दिखेगा। जब भी आप एजेंट से लें तो अपना कैलकुलेट कर लें कि आपको अगर 20 लाख का प्लान ले रहे हैं और 50 लाख का ले रहे हैं तो क्या डिफरेंस आ रहा है, 1 करोड़ का ले रहे हैं और 50 लाख का ले रहे हैं तो क्या डिफरेंस आ रहा है, उसको जरूर दिखेगा। बाकी सिंगल प्रीमियम के अंदर भी इसी तरह से चार्ट है, जैसे अगर 50 लाख से ऊपर लेते हैं तो मेजोरिटी 50 लाख से नीचे भी कोई भी डिस्काउंट नहीं है, कोई भी टेबुलर प्रीमियम रेट पर डिफरेंस नहीं आएगा, बट 50 लाख से ऊपर पे जाएंगे जितना जाएंगे उतने पर आपको फर्क पड़ेगा। बाकी अगर बात करें एग्जाम्पल की तो ऑप्शन ए ले रखा है रेगुलर प्रीमियम का, जिसके अंदर पॉलिसी होल्डर की उम्र 30 साल, फिट है, नॉन स्मोकर है, पॉलिसी टर्म भी 30 साल है तो प्रीमियम पेइंग टर्म भी 30 साल रहेगी क्योंकि रेगुलर प्रीमियम है, तो उनको 60 साल की उम्र तक प्रीमियम पे करना है। वहीं पे जो प्रीमियम आएगा उनका 50 लाख रुपए पे आएगा 23,704 रुपए,
विद जीएसटी की बात करें, जीएसटी में 18% है। टोटल प्रीमियम पे करेंगे 6,80,000 रुपए, 1 करोड़ रुपए पे आएगा 42,801 रुपए, 2 करोड़ रुपए 63,63,530 रुपए, 5 करोड़ रुपए 1,24,564 रुपए। अब इस तरीके से जाएगा, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो और 60 साल तक सर्वाइव करते हैं तो उस केस के अंदर जो भी आपने प्रीमियम पे कर रखा है वो प्रीमियम मेच्योरिटी पे दे दिया जाएगा। बट इन केस इन बिटवीन डेथ हो जाती है तो जो डेथ का अमाउंट है, अगर 50 लाख का सम एश्योर्ड ले रखा है तो 50 लाख रुपए या 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम या 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड, इन तीनों में से जो भी रहेगा कायदे से हायर हमेशा सम एश्योर्ड ही रहेगा, तो सम एश्योर्ड नॉमिनी को दे दिया जाएगा। वहीं पे ऑप्शन बी जो है हमारा सिंगल प्रीमियम, उसके अंदर भी हमने एज सेम ले रखी है बट प्रीमियम टर्म इसमें 1 साल का हो गया, तो उनको क्या 30 साल की उम्र में एक बार पैसा जमा करना है, उसके बाद पैसा नहीं जमा करना है। उसके बाद अगर हम अमाउंट की बात करें तो 50 लाख रुपए के सम एश्योर्ड के लिए उनको टोटल प्रीमियम पे करना है 2,64,000 रुपए, 1 करोड़ के लिए जमा करना है 4,69,000 रुपए, 2 करोड़ के लिए करना है 7,24,000 रुपए और 5 करोड़ के लिए 14,71,000 रुपए। तो इसमें भी सेम रहेगा, जो अमाउंट पे करा है उसका सम एश्योर्ड का अमाउंट दे दिया जाएगा अगर आपका डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की इन बिटवीन, और अगर मेच्योरिटी होती है मतलब सर्वाइव हो जाते हैं तो टोटल अमाउंट जो पे करा है उसमें से जो भी राइडर या टैक्सेस उसको काट के पैसे दे दिया जाएगा। अब डिफरेंस देख लेते हैं, 50 लाख रुपए का देखिए, 50 लाख रुपए के लिए या 1 करोड़ रुपए देख लेते हैं, 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस लेने के लिए मैंने कितना जमा करा, 4,69,000 रुपए वन टाइम पे करा, और अगर यही मैं रेगुलर पे करता हूँ तो 4,69,000 की जगह मैं जमा कर रहा हूँ 1 करोड़ रुपए के लिए 12,28,000 रुपए, तो ऑलमोस्ट 7 से 8 लाख रुपए फालतू पे कर रहा हूँ। तो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का प्लान लेना है, तो उसको देखते हुए आप अपने पैसों को बजट को देखते हुए आप पैसा ले सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो सोचते हैं एक बार पैसा दे दें उसका मेरे को जिम्मेदारी नहीं चाहिए कि मेरा लॉन्ग टर्म पैसे जमा करना है, तो उसको देखते हुए सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन भी बेस्ट रहेगा, और अगर आप चाहते हैं रेगुलर प्रीमियम में धीरे धीरे करके पैसा जमा करते हो तो वो भी बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे आके जो है एलआईसी के जीवन क्रेडिट, तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर हमने समझा कि एलआईसी के जीवन क्रेडिट प्लान के अंदर क्या है खास। तो आपको ये प्लान कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको कोई फीडबैक है या आप चाहते हैं इस प्लान को किसी और प्लान से कंपेयर किया जाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स का जरूर यूज करिएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या इस चैनल में पहली बार आए तो प्लीज नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए टाइम टू टाइम आती रहती है। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।